हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर हरलीन और आज मैं आपको एंजल मैसेज से बताऊंगी क्या रहेगा आपका लाइफ पर्पस अगले साल 2021 में, और दिवाली जो आ रही है उसके लिए मैं प्रेडिक्शंस आपको बताऊंगी नंबर 1 to 9 के लिए लाइफ पर्पस और लाइक अबंडेंस कैसी रहेगी। तो आपको मैं एंजल मैसेज से बताऊंगी एंजल ऑफ अबंडेंस एंड योर लाइफ पर्पस। तो नेक्स्ट ईयर आपका लाइफ पर्पस कैसा रहने वाला है, और अभी दिवाली जो आ रही है इसमें आपकी लाइफ में अबंडेंस जो आएगी वो उसके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं एंजल्स। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं नंबर 1 की, और मैं आपको अबंडेंस एंजल से बताती हूँ कि कैसा रहेगा आपके लिए ये दिवाली। जो नंबर 1 की मैं बात करती हूँ, नंबर 1 के लिए आपके जो एंजल कार्ड्स आपको मैसेज दे रहे हैं अबंडेंस के लिए, तो यही बोल रहे हैं कि हैव करेज टू आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम योर एंजल्स। तो आपने क्या करना है, दिवाली वाले दिन जब आप पूजा करेंगे, जब आप प्रेयर करेंगे, तो आप अपने एंजल्स को, अपने गार्जियन एंजल्स को, अपने गाइड्स को आप बोलेंगे टू हेल्प यू। अगर आप मदद नहीं मांगेंगे तो एंजल्स आपकी हेल्प नहीं करते, ये हम सब जानते हैं। तो आपको उनसे हेल्प मांगनी है बिकॉज एंजल्स कह रहे हैं आस्क फॉर हेल्प, आपकी लाइफ में अबंडेंस ज़रूर आएगा। अब मैं बात करती हूँ लाइफ पर्पस की, 2021 में लाइफ पर्पस जो है वो आपका क्या होगा, आपको क्या करना चाहिए। तो जो भी हीलिंग में है, नंबर 1 वाले हीलिंग वर्क जो रहेगा वो आपका एक ऐसा स्किल रहेगा 2021 में जो आपके लिए न्यूट्रिशन होगा। आप ये कह सकते हैं अगर आप हीलर हैं, अगर आप टीचर हैं, कहीं भी आप हीलिंग फील्ड में अगर आप रिलेटेड हैं तो वो आपके लिए न्यूट्रिशन होगा। न्यूट्रिशन मतलब वही आपका काम होगा, वही आपका पैशन होगा। तो लाइफ पर्पस आपका ये एंजल्स ने बताया। तो अब मैं बताती हूँ नंबर 2 के लिए। आपको पता ही है आपको नंबर्स कैसे देखने हैं, जो 2 नंबर हैं उसको टोटल करके सिंगल नंबर पे लेके आइए। नंबर 2 का इस वक्त दिवाली का जो टाइम है वो कैसा जाने वाला और क्या मैसेज दे रहे हैं एंजल्स। एंजल्स बोल रहे हैं गॉड इज़ योर सोर्स। तो आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, आपकी जो भी नीड्स है, वो आपको गॉड सप्लाई करेंगे, वो हम सब जानते हैं। बट कभी कभी हम फेथ नहीं रखते उस चीज़ को रिसीव करने के लिए। सो हैव फेथ, दे आर सेइंग इन गॉड देयर इज नो लैक और लिमिटेशंस, हैव फेथ देयर इज प्लेंटी ऑफ अबंडेंस फॉर ऑल ऑफ अस। तो आपको अबंडेंस ज़रूर आपकी लाइफ में आएगा, आपको सिर्फ फेथ रखना है और उनसे मांगना है। अब बात करती हूँ लाइफ पर्पस की, नंबर 2 के लिए नेक्स्ट ईयर जो है 2021 लाइफ पर्पस रहेगा करियर चेंज। अगर आप चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ जॉब, चेंज ऑफ करियर चाह रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और वो आपकी लाइफ में जॉय अबंडेंस लेके आएगी जो आप डिज़र्व करते हैं। नंबर 2 वाले जो हैं, आप देखिए, महसूस कीजिए, अगर आप जो कर रहे हैं वो करके खुश नहीं हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको कुछ और करना था या कुछ और करना चाहिए, तो आप इस वक्त चेंज कर सकते हैं और आपके लिए वो बहुत फ्रूटफुल रहेगा। तो मैं आपको एंजल मैसेज से बता रही हूँ, एंजल्स आपको इस वक्त गाइड कर रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं। तो नंबर 3 के लिए दीपावली कैसी रहेगी और क्या अबंडेंस के लिए उनको करना चाहिए, अबंडेंस माइंडसेट आपको इस वक्त अपने माइंड में अबंडेंस अगर आपको चाहिए तो वो लेकर आना है, जो आप चाहते हैं, जो आपको चाहिए वो आपको सोचना है और वही आपके लिए फ्यूचर बनेगा। सी, फील, थिंक एंड स्पीक ऑफ अबंडेंस एवरी टाइम, वेन एवर यू वॉन्ट एक्सपीरियंस अबंडेंस, एक्सपीरियंस द थिंग, देन यू विल गेट इट। तो आप ऐसा करेंगे तो आपको ज़रूर अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगी। नंबर 3 का जो लाइफ पर्पस है, यू आर ऑन द राइट पाथ। नंबर 3 वालों के लिए मैं ये बता रही हूँ, जो मैसेज दे रहे हैं एंजल्स वो बोल रहे कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग बिकॉज इट्स वर्किंग। तो अगर आपके मन में डाउट है, जो आप कर रहे हैं वो आपके लिए नहीं है या जो आप कर रहे हैं वो सही नहीं है, तो डाउट करना बंद कर दीजिए। आप जो भी कर रहे हैं एंजल्स कह रहे हैं वो सही है।
अब बात करती हूँ नंबर फोर की। नंबर फोर के लिए अबांडेंस एंजल्स क्या कह रहे हैं। अबांडेंस एंजल्स कह रहे हैं एक्सरसाइज टू इंक्रीज योर एनर्जी एंड मैनिफेस्टेशन एबिलिटीज़। आपको कुछ एक्सरसाइजेस, कुछ ऐसी चीज़ें करनी है जिससे आपका एनर्जी लेवल हाई हो और आपकी लाइफ में अबांडेंस आए और आप उस अबांडेंस को संभाल सकें। तो इस वक्त आपको फिज़िकल एक्सरसाइज की तरफ ध्यान देना, इस वक्त आपको मेंटल एक्सरसाइज की तरफ ध्यान देना है। जो योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, जिससे आपकी एनर्जीज हाई होंगी, एनर्जी लेवल हाई होगा, तो आप देखेंगे आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे और आपका लाइफ पर्पस, वॉक अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन इन ऑर्डर टू रिजॉल्व इट। लेट गो, चीज़ों को जाने दीजिए। कुछ भी आपके माइंड में है, कुछ भी ऐसा पुराना चल रहा है, उसको आप जाने दीजिए। लेट गो, लाइक आपको बिल्कुल भी उस चीज़ को पकड़ के नहीं रखना है, बिकॉज़ अगर आप पकड़ के रखेंगे तो वो चीज़ आपके माइंड में रहेगी, आपको वो बार बार तंग करेगी, परेशान करेगी। तो आपको उसको माइंड में नहीं रखना है, उसको जाने देना है। ओके, अगर आप कुछ भी चीज़ ऐसी जो माइंड से हटाना चाहते हैं, तो आप मेडिटेट कीजिए, एंजल्स को बोलिए कि वो रात भर आपके माइंड में लाइक जो भी चलता है या जो भी कोई नेगेटिविटी है, उसको आप वो रात को एंजल्स हटा दें, तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो अब नंबर फोर की बात करते हैं। नंबर फोर के लिए आपको इस वक्त आपकी लाइफ में रेज आएगा, प्रमोशन आएगा, चेंज आएगा और बहुत अच्छा रहेगा, तो वो आपको अबांडेंस दिलाएगा। आपकी लाइफ में अबांडेंस तो ज़रूर आएगा। फ्लावर्स नेक्स्ट ईयर, आपका जो लाइफ पर्पस रहेगा वो रहेगा वर्किंग विद फ्लावर्स, वर्किंग विद नेचर, वर्किंग विद प्लांट्स। अगर आप प्लांट्स को पसंद करते हैं तो फ्लावर्स, प्लांट्स, नेचर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। अब मैं बात करती हूँ नंबर फाइव की। नंबर फाइव के लिए ये दीपावली का अबंडेंस का जो एंजल्स मैसेज दे रहे हैं, वो यही कह रहे हैं यू हैव द अबिलिटी टू इंस्टेंटली मैनिफेस्ट अबंडेंस। सो अबंडेंस को मैनिफेस्ट कैसे करा जाए, जो भी आपको चाहिए वो बोलना है। अबंडेंस के जो पॉजिटिव वर्ड्स हैं, पॉजिटिव अफर्मेशंस हैं, उनको आपको अपने माइंड में रखना है, अपने पास में रखना है, तो आप चूज़ करेंगे एक पावरफुल हेल्दी लाइफस्टाइल। नेक्स्ट ईयर आपके लिए जो लाइफ पर्पस आया है नंबर फाइव के लिए, वो है ओरेकल कार्ड्स। अगर आपको कुछ भी आंसर नहीं मिल रहा है आपकी लाइफ का, तो टेक एनी कार्ड्स। आप मेरे टैरो कार्ड्स भी ऑर्डर कर सकते हैं, आप एंजल कार्ड्स से भी देख सकते हैं, एनी कार्ड्स। आपके पास वो एनर्जी रहेगी कि आपको ये जो कार्ड्स हैं वो आपको एज अ मीडियम रहेंगे, आपको आंसर देने के लिए, आपको बताने के लिए जो भी आपके अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं। सो यू कैन डू दिस। बात करते हैं नंबर सिक्स की। नंबर सिक्स के लिए दीपावली पे क्या मैसेज दे रहे हैं एंजल्स। नंबर सिक्स के लिए मून लाइटनिंग, यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन योर ड्रीम करियर, लाइक मे बी पार्ट टाइम यू कैन डू, और लाइक इफ़ यू आर डूइंग अदर जॉब देन ऑल्सो यू कैन डू पार्ट टाइम। तो ऐसा जो काम आप करना चाह रहे थे, जो आपका ड्रीम करियर था, उसको ज़रूर कीजिए, तो आपकी लाइफ में एंजल्स इस वक्त सपोर्ट करेंगे, आपकी लाइफ में अबंडेंस ज़रूर लेके आएंगे। नेक्स्ट ईयर लाइफ पर्पस क्या रहेगा, योगा। इफ़ यू आर अ योगा टीचर, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में एनहांस हो रहा है, वो योगा एनहांस होगा। जो लोग योगा नहीं करते, नंबर सिक्स वाले, आप योगा करना या एक्सरसाइज करना या लाइक मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, वो आपका लाइफ पर्पस रहेगा, वो आपको आगे जाके ज़रूर हेल्प करेगा। अब मैं बात करती हूँ नंबर सेवन की। नंबर सेवन के लिए जो मैसेज आया है एंजल्स क्या कह रहे हैं, डिटॉक्स योर फ्रेंडशिप्स। नंबर सेवन के लिए आपके लिए आया है, आपका जो अबंडेंस है वो तभी फ्लो होगा जब आपकी लाइफ से नेगेटिव लोग दूर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से आप अफेक्टेड फील कर रहे हैं, उनको आप दूर कीजिए, एंड गुड रिलेशनशिप्स, गुड एसोसिएशंस के साथ ही आप रहिए, तो आपकी लाइफ में अबंडेंस ज़रूर आएगा। नंबर सेवन के लिए जो मैसेज है नेक्स्ट ईयर का, वो क्या कहता है, स्कूल। द आंसर यू आर सीकिंग इन्वॉल्व्स गोइंग टू स्कूल। अगर आप स्कूल जाते हैं, या आप स्कूल टीचर हैं, आप स्कूल से आप रिलेटेड हैं, या आपका अपना स्कूल है, तो नंबर सेवन वालों के लिए बहुत पॉजिटिव है। तो आपका लाइफ पर्पस यही है कि स्कूल से आप कहीं ना कहीं रिलेटेड रहिए, बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं, बच्चों की मदद कर सकते हैं, आप उनको बुक्स बांट सकते हैं।
बात करते हैं नंबर एट की। नंबर एट के लिए अभी दीपावली पे जो अबंडेंस एंजल्स हैं वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं लाइक डियर वन, देयर इज़ नो नीड टू सफ़र और सैक्रिफाइस। आपको अपनी लाइफ में सैक्रिफाइस करने की ज़रूरत नहीं है, सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त जो भी इंटेंशन आपको लाइक जो भी आपको चाहिए उस इंटेंशन को होल्ड कीजिए अपने माइंड में, ओके okay? और अपनी लाइफ से जो पॉवर्टी है, जो नेगेटिविटी है, उसको दूर कर दीजिए। तो नंबर एट के लिए 2021 का लाइफ पर्पस क्या है, क्रिएटिव एक्सप्रेशन, क्रिएटिविटी आपकी लाइफ में रहने वाली है। तो जो भी आप काम करते हैं उसमें आप क्रिएटिविटी लेकर आए। इफ़ यू आर क्रिएटिव, आप आर्ट करते हैं, आप नेचर लवर हैं, आप कुछ भी ऐसा क्रिएटिव क्रिएट करते हैं, तो वो आपका लाइफ पर्पस रहने वाला है। बात करती हूँ मैं नंबर नाइन की, द लास्ट नंबर। नंबर नाइन कॉन्शियस कंज्यूमर। नंबर नाइन के लिए जो अबंडेंस मैसेज है दीपावली का वो है यू हैव द पावर टू हील एंड हेल्प द वर्ल्ड विद योर डिसीजन टू बाय ओनली प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट आर एनवायरमेंटली फ्रेंडली। तो आपको क्या करना है, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं अपने आसपास रखनी है जो एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं हो, बिकॉज आप एनवायरमेंट लवर हैं। आप किसी भी ऐसी चीज़ को अपनी लाइफ में नहीं लेके आते हैं जो नेचर को हार्म करता है या किसी भी चीज़ को हार्म कर रहा है। तो आपको क्या करना है, उन्हीं चीज़ों को अपने आसपास रखिए जो ऑर्गेनिक हैं, लाइक जो नेचर को हार्म नहीं कर रहा है, तो आपकी लाइफ में अबंडेंस ज़रूर आएगा। आपका लाइफ पर्पस क्या रहेगा 2021 में, लीडरशिप। तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा आपकी लाइफ में, कोई लाइक चेंज आ सकता है, कोई ऐसे लीडरशिप क्वालिटीज होंगी आप में। तो अगर आप बॉस बन सकते हैं या आपकी प्रमोशन हो सकती है, तो लीडरशिप रखिए, नेगेटिविटी नहीं रखिए, लीडर बन के रहिए, लीडरशिप क्वालिटीज़ रखिए। तो ये था 1 to 9 नंबर का प्रेडिक्शन एंजल कार्ड से, आपका लाइफ पर्पस क्या होगा 2021 में, और दीपावली पर आपको एंजल्स अबंडेंस कैसे देंगे, आपकी लाइफ में अबंडेंस कैसे आएगा। तो होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, आप शेयर कीजिए, बिकॉज जिनको अपना डेट ऑफ बर्थ पता है वो इनको देख के इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज एंजल्स तो सबकी मदद करते हैं, एंजल्स सबकी हेल्प करते हैं। सो आई एम अ मीडियम, आई एम अ गाइड, आप भी मीडियम बनिए, आप भी गाइड बनिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैप्पी दीपावली एंड हैप्पी न्यू ईयर।